वालेकुम। भाई खैरियत से है? तो क्या कुछ फंक्शन है आज? वो हमारे सदर साहब बताएंगे क्या फंक्शन। अच्छा, सदर साहब बताएंगे, तो चलते हैं सदर साहब की तरफ। क्या अली भाई खैरियत है? सदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलियास भाई, लालू भाई जा रहे हैं उमरा के लिए 5 तारीख को। ओके, उमरा का 5 या 8 तारीख को जो भी उनका भी फ्लाइट का होगा डन, उमरा जा रहे हैं तो उसी हिसाब से दावत रखें। ठीक है, अल्लाह लालू भाई का सफ़र आसान करे, उनकी सारी जायज तमन्नाएं पूरी करे। आमीन, हमारे अरकान पूरे करे। बहुत अच्छा। तो हमारे साथ सदर साहब अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई सलाम भाई, खैरियत है? माशाल्लाह आपका और लालू सेठ का तो दोस्ताना भाई भाईचारे बोल सकते हैं, तो आप कौन से अल्फाज में बयान करना चाहते हो बताइए। मेरे छोटे भाई बोल, छोटे भाई किंग जी। तो जैसा आप अक्सर बोलते हैं कि लालू सेठ के बकरे जो भी मेंढे हैं बकरे आपके इधर ज़्यादा आते जी। आपके लास्ट वीडियो भी आया था भिवंडी के, हम सदर साहब की भी तारीफ़ करें, लालू सेठ की भी माशाल्लाह, हमारे निज़ाम भाई की भी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो तारीफ़ के काबिल होगा उसकी तारीफ़ ही की जाएगी ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, लालू सेठ के हर साल मेरे पास जो है कम से कम 200 मेंढे और बकरे मिला के दुम्बे मिला के आते ही। इस साल भी जो है रमज़ान में उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि भाई इमरान भाई आप 200 बकरे पकड़ के चलना, मतलब टोटल मेंढे। अच्छा, पहले ही बता दिए थे? हाँ, कि इतनी जगह आपको रखनी पड़ेगी, और अभी भी मेरे पास जगह नहीं है अल्लाह की मदद से, लेकिन लालू भाई के लिए दिल में जगह है तो बकरों की जगह बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात तो है भाई, बिल्कुल आपके लिए। तो यार हमारे मैं तो इनको अभी यही बोला कि भाई अभी आप सिर्फ भिवंडी में सीमित मत रहो, क्योंकि आपकी सदारत जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, उसको बढ़ाना चाहिए, हमारे इलाके तक क्या आपको आना चाहिए। अच्छा, पड़गा भी जो है कोई सदर की ज़रूरत है, क्योंकि जो हिसाब से ये लोग लेके चल रहे हैं सबको, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, जिसमें नाइंतफाकी नहीं है और वो चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। तो मैं वकील भाई को तो यही बोलूँगा, वकील भाई लालू भाई जो है जैसे इस इलाकों को लेके चल रहे हैं, इनको पड़गा के तरफ भी आना चाहिए, और पड़गा में भी जो मसले मसाइल है लोगों के आपस में, या कोई कस्टमर का होता है या किसी और का होता है, तो एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा कि जो अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज की जा सकती है, या तो फार्मर के साथ गलत हो रहा है तो उसका भी सॉर्ट आउट कर ले हुए, या कोई कस्टमर के साथ गलत हो रहा है तो वो भी सॉर्ट आउट कर ले हुए। इनकी मैंने एक दो रील देखा था, वीडियो नहीं देखा था मैंने, जी जी रील देखा था, वो रील चलाते चलाते दिख जाती है, तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई वज़न जो है गलत बता के नहीं बेचा जाएगा, वज़न जो है सही बता के बेचा जाएगा। जी जी, तो ये सब चीज़ें जो है यंगस्टर्स लोगों के लिए भी और जो बड़ी उम्र वालों के लिए भी, इनके लिए भी फ़ायदेमंद है जी। आज आपके इलाके में मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, एक दावत हुई है तो सब आके हंस बोल के जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सदारत मजबूत है, पकड़ मजबूत है। तो पकड़ तो हमारे सदर साहब की माशाल्लाह मजबूती है। और एक बात और बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बेशुमार एहसान है, अभी सदर साहब के यहाँ से भी बकरे आना चालू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हो रहा है कि थोड़ी जगह की दिक्कत हो जाती है। अच्छा, अब हाउसफुल हो गए, हो चुके हो क्या? बाकी है मेरा चारों फार्म अल्हम्दुलिल्लाह हाउसफुल है, पूरा फुल है, बिल्कुल भी जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, थोड़ी बहुत जगह खसियों के लिए है, बाकी अंडुल तो बिल्कुल। तो कुछ एक्सप्लोर पब्लिक को नंबर्स में बताना चाहेंगे लोगों को, कितने नंबर्स आपके पास पलाई है? ये तो खत्म हो गए ना, नंबर्स क्या करूँ। हाँ, अच्छा हाउसफुल हो गए तो खत्म हो गई, खत्म हो गए, अंदाज़ा लगा लो चार फार्म है, चारों फूल है, अंदाज़ा लगा लो आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे क्या बोलूँ कि इतने नंबर। जैसे लोग जानना चाहते हैं जीडी गुड फार्म माशाल्लाह एक रनिंग, एक बड़े मतलब ना मुंबई के अंदर एक बड़ा काम, बहुत एक एक जगह पे इतने सारे बकरे पलाई पे रहना और उसके ऊपर लोगों की तारीफ़। मैं खुद जाता हूँ माशाल्लाह, मैं शूट करता हूँ तो बोलते मेरा फार्म, मेरे बकरे इधर है, तो लोग आपकी हमारे सराहना ही करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहने? तारीफ अल्लाह ही, मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ। तारीफ के काबिल तो ऐसा है कि आप काम कर रहे हो तो लोग आपकी बात तो करेंगे ना। अल्लाह की मदद है, बकरे बन रहे हैं वो अल्लाह बना रहे हैं, मेरा काम है झाड़ू मारना, लेडियाँ उठाना और दाने डालना। तो सदा साहब क्या अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ने सेहत दिया है, अभी माशाल्लाह यहाँ पे देखो काफ़ी सेहतमंदी बैठे हैं सब, बराबर अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दो रोटी खा रहा है, कोई एक रोटी खा रहा है, लेकिन वजन सबका बढ़ रहा है। और ख़ास तो हमारे भाई लोग हैं, इनको भी
अपने खाने के टेबल पे बोला हूँ मीठा वीठा कम खाओ, थोड़ा वजन कम करो। अच्छा, अल्लाह के हाथ की। जैसे आप बिजी रहते हो, आपका माशाल्लाह चार फार्म है, आप पलाई देखते हो, तो ये लालू सर के बोलने पे आप आगे से जाते नहीं मेरे ख्याल से? आप कहीं ऐसी बात नहीं है कि जाता नहीं, वो चीज़ गलत हो जाएगी कि जाता नहीं। बस आज आप बिलीव करना कि मैं फार्म पर नहीं जाना चाह रहा, मैं ये सोच रहा था कि मैं 4-4:30 बजे भिवंडी पहुँच जाऊँ, वकी भाई को पकड़ लूँ, यहाँ से 2-4 फार्म देख लूँ। अच्छा, ये हो जाता है ना हमारे इधर कि हमको खुद नहीं पता होता है कि कोई आके बैठ गया है, जबकि लोगों को बोला गया है कि भाई आप सैटरडे संडे का दिन रखो। जी जी, ओके। उसके बाद भी लोग आ जाते हैं तो मैं आधे रास्ते से जो है ना गाड़ी चेंज मोड चेंज कर दिया। ओके। तो मैं हकीकत में माँ खुदा मैं आज सोचा था मैं 4:30-5 बजे यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ के 2-4 फार्म। तो कौन से फार्म यहाँ के देखना चाहते थे आप, वो तो बताइए कुछ। सबका देखना चाहते, जैसे नाम, एक दो नाम आपके दिमाग में। बकरे का शौकीन को बकरे सदा साहब को तो हो गया, एक फार्म हो गया छोटे में, आउट फार्म बकरे के फार्म वाले को बकरे की उससे मोहब्बत होती है, वो छोटा फार्म और बड़ा फार्म वो बात की बात होती है। ओके, अगर वो एक चीज़ भी कहीं पर पड़ी है और काबिल तारीफ है तो शौकीन वहाँ पहुँच जाए। जैसे आपके दिल में तो रहेगा ना भिवंडी, माशाल्लाह सारे लोग अलहमदुल्ला देख सकते हैं बैठे काम कर रहे हैं, सबने बरकत दे भाई। तो कुछ ऐसा पहला तो जो मोहब्बत है, जहाँ मोहब्बत है वहाँ बरकत होगी ना। जी जी, जहाँ नफ्सा नफ्सी है वहाँ तो गाली गलौज होगी। तो उसके लिए एक पायदान और एक बुर्द ना, जब जड़ सही है ना तो पौधा और पेड़ जो है वो सलामत रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इधर जड़ नहीं है। अच्छा, पड़गा में तो मतलब ऐसा बोलेगा भिवंडी एज कम्पेयर टू पड़गा, अल्हम्दुलिल्लाह सदारत में काम अच्छा चल रहा है। आप अच्छा, देखो ये छोटी मोटी नाइतफा किया आप एक सदर के सामने लेके आते हो, सदर को चुना गया है। ओके, सदर के पास कितने बकरे उसके लिए नहीं चुना जाता, सदर काम कैसा कर रहा उसके लिए सदर को चुना जाता है, तो वो सदारत की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये फॉर्मूला आप पड़गाम में लेना चाहते हैं? मैं डेफिनेटली लेना, हमारे सदर साहब को लेना चाहते हो? बताइए, देखा था इनको यही बोला था कि अभी आप कॉर्पोरेटर हो, एमपी बनो, एरिया बड़ा करो। तो हल्का बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करो आप, एरिया बड़ा करो और हम लोग भी जुड़ेंगे, हम लोग भी जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे भाई, ये तो अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। तो लालू सेठ के लिए हमारे दो अल्फाज कुछ आपके, लालू सेठ जैसे ये बोल लूँगा, अभी बोलूँगा तो बोलेंगे अपने छोटे भाई की तारीफ नहीं करना ज़रूरी है, जो आपके अल्फाज ज़रूरी है, आप आए माशाल्लाह वक्त निकाल के। कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे प्रूफ दो, क्योंकि दूसरों की बातें नहीं पकड़ी जाती, मेरी बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। ओके, मैं टारगेटेड हूँ बराबर। लालू सेठ के दुमे मेरे पास आए हुए हैं अल्लाह की मदद से, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं लेडियाँ उठाता हूँ, झाड़ू मारता हूँ, दाना खिलाता हूँ। मेरे पास 11-11 किलो का एवरेज दिया, एक महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। लालू सेठ के दुम्बे माशाल्लाह गेन कर रहे हैं सब? नहीं। ओके, जितने दुम्बे सब उम्मीद में ला जाएंगे कि भाई 11 किलो हमारे को भी दो। क्वालिटी पे डिपेंड रहती है। 11 किलो का एवरेज मेरे पास लालू सेठ के दुम्बे ने दिया हुआ है। लालू सेठ का दूसरा दुम्बा है एजाज भाई जोगेश्वरी वालों का। ओके, उन्होंने उनसे लिया था, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पास 58 किलो का दुम्बा है, मेरे पास पेपर अभी भी पड़ा हुआ है। 58 किलो से वो 7 महीने में 124 किलो गया है, जोड़ लो आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। सदर साहब क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो देखो विजिट भी कर चुका हूँ, बहुत अच्छा लगा। मेरे इधर से भी कस्टमर जो है बहुत जो गए, मेरे 5-6 वो रिजान भाई भी इधर गए और कस्टमर डिमांड भी गए, मेरी तो भेजने की कोई ताकत औकात है नहीं, अपना तो काम है अपन जो काम पे बोले वहाँ भेजते हैं। जी, पब्लिक का डिमांड था बोर वहाँ भेजना था, वहाँ भेज दिया। जी जी, बोर भी माशाल्लाह क्वालिटी के है, मतलब हमेशा जो है आपकी जो है कहीं भी ले लूँ मैं, इधर ले लूँ इधर ले लूँ, माशाल्लाह जहाँ से बकरे जा रहे प्लस ही हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो काम ही है ना, काम पे फोकस करेंगे तभी प्लस होंगे ना। जी, आप काम पे फोकस करेंगे तभी आप जो है मतलब मुतमईन फार्मर कहलाओगे ना। फार्मर हम लोग जो है सारे जो यहाँ पे बैठे हैं सब बकरे की रोजी खा रहे हैं। ओके, अब बकरा नहीं खाएगा तो फिर हमारा क्या होना है? हम खा रहे हैं बकरे की कमाई, और बकरे को नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा? ये बड़ा वो टॉपिक है। तो आपको बकरा पालने के लिए या कोई जानवर पालने के लिए आपको जेब थोड़ी देखना है, बरकत अल्लाह ताला डाल देंगे। बेशक, आप नाप पे गिराओगे तो फिर आपका फार्म नहीं चलेगा माशाल्लाह। तो नाप के मतलब JD गुड फार्म पे जो बिना नापे खिलाया जाता है, फार्म पे 3 बजे आप आ जाओ मेरे साथ चलो,
मेरे साथ 3 बजे तक यहाँ पे बैठो, आप 3 बजे उठ के चलो मेरे साथ, फ़ोन मेरे पास आपका रखो, जो मैं आपको कॉल तो नहीं कर दूँगा वहाँ पे। जी जी, और चल के देख लो आपको खाना पड़ा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है। क्या बात है, तो ये से कमाल है ना, उसी का कमाल है। बाजू में बैठे इनका मेंढा कितने पे आया था, कितने पे लेके गया पूछो। तो वकील भाई में बैठे पूछ लो, और कितने महीने में लेके गया वो भी पूछ लो। सही भाईजान का सिंधी मेरे पास आया हुआ है। जी जी, अगर अगर ये साल बाद नहीं देखते ना, मेरा दावा नहीं पहचानते, हमसा पहचान लेता। ये नहीं पहचानते, इनके जहन में लोगों के बोलते झंझट ज़्यादा चलती है ना, तो ये भूल जाएंगे। वो नहीं भूलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हयात ही देवे, आप ईद को ईद में देखो। तो ओवरऑल माशाल्लाह जीडी गोल्ड फार्म से पब्लिक भी चल रही है। जो है इजाज़ भाई, जी जी, पिछले साल इनके पास बॉन्ड गया था, इनका बकरा ब्राउन वाइट कोटा था, ये साल इनका मालवा है। ओके, उसकी वीडियो आई है अभी, वाइट वाला जो आपको बताया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो शौक है माशाल्लाह, ये सब शौकीन लोग बकरे बाजी के रिलेटेड। वकीब भाई बोलो, वकीब भाई क्या बोलते आप, मैंने लालू सेठ की दावत में है माशाल्लाह, और गेट टुगेदर हो गया, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, लालू सेठ की बात ही अलग है, उनका काम ही अलग है, एकदम बोलते ना टिपिकल वाइट काम है एकदम। ओके, माशाल्लाह उमरा को जा रहे हैं, उन बुला रहे थे तो आना तो ज़रूरी था। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। में इमरान भाई तो हमारे सदर साहब भी दो अल्फाज कहना चाहते हैं, तो सदर साहब क्या कहना चाहते हैं? इलियास भाई कोई खाना खाने के लिए नहीं आता है, एक मोहब्बत है, तो इतने लोग इकट्ठे जमा हुए हैं। जी जी, सबसे बड़ी बात तो ये। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो लालू सेठ के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? लालू सेठ के बारे में तो मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह उसके उमरा को कबूल करे। आमीन आमीन। और अपन जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन लोग को भी हरम शरीफ की ज़्यारत अदा फरमाए। आमीन आमीन। मैं दुआ करता हूँ कि हम लोग को भी वो दर पे बुलाए। बेशक बेशक। और लोगों को थोड़ा हिदायत दी जाए। ठीक है, माशाल्लाह अपने बहुत पुराने ताल्लुक वाले भी है और एक बहुत शफाफ काम करते, क्लीन काम, और माशाल्लाह जो चीज़ें लोगों तक पहुँची हैं उसके अंदर कोई खोटी खराबा भी नहीं है, और उम्रा पे जा रहे हैं, सबके लिए दुआ की भी दरख्वास्त है लालू भाई, और अल्लाह ताला उम्रे को भी कबूल फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह जो हमारे सदर साहब है वो तो वन मैन शो है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। जो सपोर्ट और जो एक साथ चाहिए एक बकरा बास को आज की तारीख में, भाई कहीं गलत भी होता है तो भी इंशाल्लाह खड़े रहते हैं, या कुछ और ही बात रहती है तो अपने साथ खड़े रहते हैं वकील भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। आमीन। हर एक के फार्म जो है फूल हो जाए, शौक बढ़े, लोगों का कारोबार चले, हलाल रोजी बहुत ज़रूरी है, हलाल कमाने की सोचो, सच के साथ काम करोगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको खूब बरकत दे। आमीन आमीन। तो हमारे साथ क्वालिटी किंग अली भाई, क्या बोलते अली भाई, माल आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह। तो मैं आपके माल भी माशाल्लाह जीडी गोल्ड फार्म में कंटिन्यू जा रहे हो? जीडी पे डायरेक्टली तो नहीं जा रहे, पर वाया वाया जा रहे हैं। जा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। और कुछ कहना है व्यूअर्स को? बस बने रहिए इलियास जी के साथ में। ठीक है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। तो माशाल्लाह फंक्शन चल रहा है और आप खास दोस्तों में से आते हैं हमारे लालू सेठ के, अब खास हो गए नहीं आप बताओगे, बताओ जी है ना, तो उनके लिए कुछ दो अल्फाज। हाँ, वही अल्लाह उनकी जो भी मकसद है उसको कामयाब करे उनमें और कबूल करे, और अल्लाह हर किसी मोमिन को वो जगह नसीब फरमाए। जी शेख, उसे दीदार अदा फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह सबको बरकत दे, तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ है। आमीन। अल्लाह जो हालात चल रहे हैं वो हालात से जो है जो फलस्तीन के मामला हैं, जी जी जी, उस पर भी अपना रहम। आमीन फरमाए। और ये निज़ाम भाई, ये कौन है, ये क्या नाम है? ये मेरा बेटा है और अभी 5 महीने का। 5 महीने का नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ, क्या बात है। तो ला हमारे निज़ाम भाई का लड़का है जो फ्यूचर में ये डेरा संभालेगा क्या? इंशाल्लाह पायलट भी बन जाएगा लेकिन डेरा संभाले। तो बकरे का शौक़ होना चाहिए हर बच्चों में भाई, आप भी अपने बच्चों में सुन्नत वाला जो है शौक़ लाइए। अल्तमज भाई खैरियत है? बताइए बताइए कैसा लग रहा है माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह क्लोज ही हो लालू सेठ के, कंटिन्यू जब भी आते हो मेरे ख्याल से लालू सेठ से मिले बगैर जाते नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, भिवंडी में इधर पर समझ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम भाई और लालू भाई, ये मेरी समझ जाओ बुनियाद है भिवंडी की आने की बाद में सब। और यहाँ बुलाने का भी मकसद इन लोग दोनों का ही था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर पर करीब आ जाओ करीब आ जाओ करीब बुला ही लिया गया।
तो इधर आए आपको फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रिजवान भाई खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और जैन भाई हमारे अनस भाई क्या बोलते, कैसे चल रहा है सब? बस अल्हम्दुलिल्लाह। लालू सेठ के बारे में क्या दो अल्फाज कुछ कहना चाहते हो? बहुत अच्छा माशाल्लाह। जी जी आमीन आमीन। अच्छे से जाए, अच्छे से जाए माशाल्लाह। बेशक बेशक। और हमारे मुशाहिद भाई भी है, मुशाहिद भाई क्या कहना चाहते हैं लालू सेठ के बारे में? खाली नाम ही नहीं है दुम्बा की, लालू भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में किंग है, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके उम्र को कबूल करे और सबसे मिलजुल के रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकअल्लाह। राहिल भाई एक शायरी हो जाए लालू सेठ के लिए। शायरी भी बोलेंगे अभी खाने पे होंगे, लेकिन लालू सेठ जो जा रहे हैं माशाल्लाह बहुत मुबारक काम, अल्लाह कबूल करे उनको। आमीन। और सबके लिए दुआ करें, खास तौर से सब मतलब भिवंडी के लिए क्या सर, हर जगह के लिए दुआ ही करें भाई, है कि नहीं? सब जी जी। काम अच्छे से अच्छे से हो। और तबीयत भाई खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह इलियात भाई, वही लालू भाई के प्रोग्राम में आए माशाल्लाह, उमरा को चले बड़ी खुशी मिली, बहुत बहुत समझे। काम वाम तो सब होते रहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, लेकिन ये सब मौका बहुत कम मिलता है। बिल्कुल, जो अच्छी जगह जाता है उससे कोई अपनी कुछ भूल चुक अपने से होती है, उनसे होती है, माफ़ी तलाशी होती है। जी जी। उसमें कहता है एक दूसरे का काम बनता है, दिल जो ही हो जाती है और कुछ नहीं भाई। देखो ऐसा हालात ऊंच निष्ठ होती है, भाई भाई में हो जाती है, लेकिन नायत तफाकी को दूर करके एक आदमी मोहब्बत का पैगाम देना माशाल्लाह। तो ऐसे ही भाई काम भिवंडी के अंदर चलते रहे, हर एक जो है मोहब्बत से एक दूसरे के साथ शौक करते रहे। चलिए ठीक है, दुआ में याद रखिए भाई। चलिए अल्लाह हाफिज। बस दुआ है तुम्हारी माशाल्लाह। हमारी भिवंडी बकरा कमेटी देख सकते हैं आप लोग किस तरह बैठी है, और पब्लिक देखिए, सदर साहब अभी भी लगे पड़े, मिजाब भाई सदर साहब अभी भी मैनेजमेंट में लगे पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब हर एक प्रोग्राम में मैनेजमेंट में रहते ही रहते हैं, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। देख हम लोग सब बैठे आराम कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन उधर देख सकते हैं आप लोग सदर साहब किधर है, फिर कहीं ना कहीं तो रहेंगे भाई, ढूंढना पड़ेगा। तो ये काम है सदर साहब का। सदर साहब जो है ना, कोई भी प्रोग्राम रहे, किसी के घर का रहे या अपनी कमेटी का प्रोग्राम रहे, आखिरी में ही खाते हैं सबको, एकदम सही से सबको खिला पिला के फिर लास्ट। तो लालू सेठ को क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह उमरा के लिए बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, उनको तो ऐसा बोलना है। हमारे को क्या, सबके लिए दुआ करें, जो जो है जितने भी बकरेबाज लोग हैं सबके लिए दुआ करें। रोज सलाम इधर से ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ वालेकुम असलम। नियाज भाई तुम्हारी मेमोरी फुल हो गई है फिर भी वीडियो बना रहे हो, थोड़ा तो बस करो, थोड़ा आराम से तो बैठने दो भाई लोग को यार। तुम मैं जब से आया हूँ तुम्हारी वीडियो ही चालू है भाई, तो आराम से बैठने देते। जज़ाकअल्लाह अल्लाह हाफिज। आईएलई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छी से अच्छी चीज़ें चैनल पर दिखते रहो। चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए।